हेलो फ्रेंड्स, मैं खालिद, आप देख रहे हैं इसके टेक टूल्स। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो एक एप्लीकेशन के बारे में जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हाल ही में। ये ऐप का नाम है टी ऐप फोलियो, जो कि इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 टाइप की सर्विस, जैसे कि आप टी वॉलेट, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से जो भी आप सर्विस के लिए पे करते हो वो आप पे कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के 4 टाइप के सर्विसेज, जो कि होता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड या RTA के रिलेटेड जो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोल के टी ऐप फोलियो टाइप करके आप एप्लीकेशन इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन है, देखिए ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर 10,000 डाउनलोड से इसके रेटिंग्स भी मेरे ख्याल से शायद बहुत अच्छे होंगे, तो इंस्टॉल कर लीजिए इसे। अच्छा दिख रहा है एप्लीकेशन, ये तो रेटिंग भी इसकी अच्छी है, 4.3 इसकी सर्विसेज। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बनाया गया है ये एप्लीकेशन। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अब, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है ये, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये ऐप कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको इस पर साइन अप करना होगा, या फिर आपको कोई अल्टरनेटिव अकाउंट हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि न्यू यूज़र पे आप साइनअप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मेरा ऑलरेडी जो गूगल का अकाउंट है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप चाहते हो तो यहाँ पर साइनअप भी कर लीजिए। मेरा ऑल्टरनेटिव अकाउंट है जो कि गूगल का अकाउंट है, वो अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर बिल पेमेंट्स, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स, टैक्सेस, बुकिंग, RTA, टी वॉलेट, वेदर के इंफॉर्मेशन सर्विसेज और अदर्स। इसमें आपको क्विक लिंक्स में भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले हम बिल पेमेंट्स में देखते हैं कि इसमें क्या क्या बिल्स पेमेंट के ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट पेड बिल ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, जो कि पोस्ट पेड कस्टमर्स है तो पे कर सकते हैं। ख़ासतौर पर BSNL का भी इसमें दिया गया है, लैंडलाइन इंटरनेट, ये देखिए ACT का इसने दिया है ऑप्शन, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, DTH, डाटा कार्ड का भी इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो बिल्स में तो थे इतने, एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, करंट, ROR, 1B, मल्टीनेशनल वगैरह। इसमें बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स के मिलेंगे, लैंड के रिलेटेड सर्टिफिकेट्स में आप जाओगे तो इसमें मिलेंगे इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ डेट सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जो कि आपको तेलंगाना में रहने के लिए ज़रूरी है वो सर्टिफिकेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तकरीबन ये ऐप का इंटरफेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कलरफुल बनाया है ऐप के डेवलपर्स ने। तो इसमें आपको RTA सर्विसेज भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको तकरीबन 5 टाइप के सर्विसेज भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस, फी पे, RTA वॉलेट। ये RTA वॉलेट की वीडियो मैं नेक्स्ट वीक बनाने वाला हूँ मेरे एक दोस्त के साथ, शायद ये वीडियो नेक्स्ट वीक आ जाएगी, तो फ्रेंड्स देखिए वो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ दिख रहा है 3 डॉट्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जाने के बाद आपका प्रोफाइल, माई ट्रांजेक्शन, इसमें सेटिंग्स मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको मी सेवा एप्लीकेशन स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाते हैं तो हम करंट पिन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको। इसके अंदर तकरीबन 2 टाइप के लैंग्वेजेस मिलेंगे, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर चिंग लैंग्वेज, इसमें आपको तेलुगु और इंग्लिश इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको 2 लैंग्वेजेस इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अदर्स में हम जाते हैं तो आपको मिलेंगे बस रूट्स, टैक्स, ट्रैफिक चालान और ICIC बैंकिंग। ये ट्रैफिक चालान का तो एप्लीकेशन अलग से है गूगल प्ले पे स्टोर पे, जो कि सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा एप्लीकेशन जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अपने पब्लिक के लिए, जो कि देखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा इसने इंटरफेस वगैरह बनाया गया है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी तरीके से हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर देंगे, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कोई भी सवाल सुझाव हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बाजू को आपको बेल आइकॉन रहता है उसे भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपको नोटिफाई कर सके कि हम वीडियो अपलोड करें तो आप देख भी सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ़।